पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए एक सपना है। पिछले हफ्ते यहाँ का सफर कमाल का था। चार सफारी की टाइगर सेटिंग हुई और उनके अलावा काफ़ी वाइल्ड लाइफ देखने को मिली। ये रिजर्व अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। जंगल और वेटलैंड दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और इस बार वापस आया हूँ एक नए पर्सपेक्टिव के साथ और नए एक्सप्लोरेशन के साथ। देखेंगे इस बार क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि इस बार मेरे साथ एक चैलेंज भी है। चलिए शुरू करते हैं। जंगल में एंटर करते ही सबसे पहले हमने देखे रीसस मंकी। ये एक दूसरे की प्रीनिंग कर रहे थे। इनका प्रीनिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे की बस सफाई कर रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका भी होता है। अपने इस सफर के दौरान हम एक छोटे से डैम के पास आए जहां वाटर लेवल काफ़ी कम हो गया था और ये सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गई थी। ऊपर पेड़ पे एक सूखे डाल के ऊपर ऑस्प्रे बैठा हुआ था अपने हंटिंग टेक्निक के लिए रेडी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो थी क्रोकोडाइल। अक्सर हमने जंगल में क्रोकोडाइल्स को खाली मुंह खोल के बैठे हुए या मुंह बंद करके धूप सेकते हुए ही देखा है, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे थे वो वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज़ थी। बहुत रेयर मोमेंट। क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन करके फिशेस का इंतजार कर रहा था। ये एक रेयर साइट था। क्रोकोडाइल का माउथ ओपन करना जैसे एक पेशेंट हंटर अपनी प्रे का इंतजार कर रहा हो, बहुत ही फैसिनेटिंग और यूनिक सीन था। कई बार ये क्रोकोडाइल अपनी बॉडी को सिर्फ कम्प्लीटली स्टिल रख के सिर्फ अपनी आँखों से फिशेस का पहचान कर रहा था, और जैसे ही कोई फिश उसके क्लोज होती थी वो अपने जॉस से इतनी तेज़ी से उसे पकड़ लेता था कि हम बस देखते रह गए। और कई बार जैसे ही कोई फिश उसके पास से निकलती थी तो वो दौड़ के उसके पास जाता था। ये जगह थोड़ी स्लिपरी थी क्योंकि ये एक सीमेंटेड प्लेस था जिसके ऊपर पानी था और फोर्स पानी का बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये एक ढलान की तरफ था, इसलिए उसको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था और बार बार वो नीचे की तरफ फिसल रहा था, लेकिन फिर वो दोबारा बार बार ऊपर आ रहा था। ये एक परफेक्ट एग्जांपल था नेचर के एफिशिएंसी का और किस तरह हर प्राणी अपने सर्वाइवल के लिए अपनी टेक्निक्स को इवॉल्व करता है। जंगल की पहली सफारी से हमें बस यही देखने को मिला और जो अपने आप में काफ़ी रेयर था। इसके बाद हम अपनी दूसरी सफारी के लिए आए और अंदर आते ही सफ़र के दौरान हमें ग्राउंड पर एक जंगल फाउल मिल गया जो अपना काम कर रहा था। जंगल फाउल के कलर्स बहुत फैसिनेटिंग लग रहे थे और कुछ ही दूरी पर एक स्कोप फाउल अपने लॉग पर बैठा हुआ था बिल्कुल साइलेंट। उसका एटीट्यूड, उसकी पॉइज, सारी जंगल की ब्यूटी अपने आप में थी। ऐसे मोमेंट्स हमेशा याद रखते हैं। इसके बाद हम उसी डैम पे वापस आए सोच के कि क्या क्रोकोडाइल और ऑस्प्रे दोबारा मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे एक वूली नेक स्टॉक भी था वही डैम के पास फिशिंग कर रहा था। अक्सर देखा जाता है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो पेशेंटली रुक के फिशिंग करते हैं, अपने बीक को ओपन रखते हैं और पानी के अंदर रखते हैं और जैसे ही कोई फिश आसपास से निकलती है उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम था तो अपने बीक को अंदर रखने के लिए इसके पास जगह नहीं थी, और जैसे ही कोई फिश ऊपर जाने की कोशिश करती अगेंस्ट द स्ट्रीम
वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उनको ऊपर जाके अंडे देने थे, लेकिन यहाँ पे शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। और पानी कम होने की वजह से स्ट्रोक जैसे ही कोई फिश दिखती उसके ऊपर जंप मारता और उसे पकड़ के खाने की कोशिश करता। इस ट्रिप में हमें जंगल के काफ़ी अलग अलग मोमेंट्स तो देखने को मिल रहे थे, लेकिन जंगल का किंग, जंगल का बॉस अभी तक गायब था। टाइगर का कोई नामो निशान नहीं था और दूसरी सफारी भी लगभग ख़त्म होने वाली थी। तो हमने डिसाइड किया कि चूका गेट पर रुकते हैं और देखते हैं कुछ होता है या नहीं। कहीं ना कहीं हमने सोचा कि टाइगर दिखाई देना चाहिए, लेकिन कुछ समय तक हमने कुछ नहीं देखा। आसपास से जो जिप्सीज आ रही थी हम उनसे भी पूछ रहे थे कि क्या उन्हें कहीं दिखा, क्या कहीं पर जंगल में स्पॉटिंग हो रही है, लेकिन नहीं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। दूसरी सफारी ख़त्म करने के बाद जैसे हम तीसरी सफारी के लिए निकले, हमारे गाइड ने टिप दिया कि थर्ड सफारी में टाइगर का मूवमेंट है। हमें लगा कि शायद इस बार हम टाइगर को देख पाएंगे। हम तेज़ी से मूव कर रहे थे और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, लेकिन रास्ते में एक सरप्राइज़ मिल गया। एक सरपेंट ईगल ने हमारा रास्ता रोक दिया। सरपेंट ईगल ने एक सांप को पकड़ा हुआ था और वो उसे मार रहा था। अब हम दुविधा में थे कि हम सरपेंट ईगल की फोटो लें, उसकी वीडियो बनाएं, या आगे जो 100% श्योर है कि टाइगर की साइटिंग चल रही है हम उस तरफ जाएं। हम सरपेंट ईगल को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते थे, तो हमने सोचा कि चलो जब तक ये ज़मीन पे है हम इसकी फ़ोटो वीडियो बना लेते हैं, और अगर ये इधर उधर हो जाएगा तो हम टाइगर की तरफ मूव कर जाएंगे। ईगल थोड़ी देर बाद अपने वे से मूव हुआ और फिर हम टाइगर की डायरेक्शन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़े। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आगे बढ़ा कर मैं जहाँ बनाऊँ वहाँ पहुँच गया। जल्दी बस किया करो, तो बंद कर दो, इसी में तो सारा फेल बिगड़ रहा था। और फाइनली हमने देखा कि दो टाइगर जंगल में थे, लेकिन सरपेंट ईगल के शॉट्स लेने में जो हमारा टाइम लगा उस वजह से हमने वो चीज़ मिस कर दी जब वो बाहर रोड पे थे, और अब हमने देखा कि वो अंदर की तरफ मूव कर रहे थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय उसके कि जो हमें दिख रहा है उसको कैप्चर करने के, और हमने वही किया। उसके बाद हमें लगा कि टाइगर दूसरी जगह भी निकल सकता है क्योंकि वहाँ पे भी साइटिंग के चांसेस थे, और जब हमने टाइगर को क्लोज जाने की कोशिश की तो एक स्पॉटेड डियर मिल गया जो कि अपने आप में बहुत प्यारा लग रहा था। उसका इतना क्लोज व्यू था कि हम सब उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, और जंगल की ब्यूटी हर जगह होती है, टाइगर की हंटिंग में भी और ये छोटे क्रिएचर्स में भी, इक्वली सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इस टूर की फोर्थ और आखिरी सफारी में हम जोन वन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने सुना था कि यहाँ पे कल बहुत ही अमेजिंग टाइगर सेटिंग हुई थी, और वही सुन के और अपने किस्मत को दोबारा आजमाने के लिए हम इस बार जोन वन में हैं।
जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ जा रहा था, फॉग से गुजर के सनलाइट्स को ब्रेकिंग इफेक्ट, डियर्स का इधर उधर घूमना, हनुमान लंगूर, स्पॉटेड डियर, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल और क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, हमें सब कुछ देखने को मिला सिवाय एक चीज़ के, वो था टाइगर। अब तक हम टाइगर को नहीं देख पाए थे, लेकिन जंगल की ब्यूटी की जो अपनी स्टोरी थी वो हमने बहुत अच्छे से महसूस की। जब हम थोड़ा थक चुके थे तभी मुझे ड्राइवर भैया ने बोला फटाफट से दूरबीन लगाओ। मैंने कहा भैया चलती गाड़ी में दूरबीन लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, हमारी गाड़ी रुक गई। सब ने देखा एक टाइगर हमारी डायरेक्शन में ही बिल्कुल चला आ रहा था, एक बिल्कुल डायरेक्ट साइटिंग, और हम सब देखते ही रह गए। वो मोमेंट सच में मैजिकल था। टाइगर ने हमें थोड़ा ही टाइम दिया और क्रॉस करके वो फिर जंगल की तरफ चला गया। अब हमने सोचा क्या ये सफ़र ख़त्म हो गया है। हमने उसके फुटप्रिंट्स को ढूंढने का कोशिश की, हमने उसको थोड़ी देर फॉलो करने का ट्राई भी किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ नहीं आया। लेकिन जंगल कभी भी अपनी कहानी पूरी नहीं करता, और ये तो सिर्फ एक चैप्टर था। अगला चैप्टर शायद मेरी नेक्स्ट ट्रिप में, जो कि इस मंथ एंड में दोबारा है। अगर आप भी इस थ्रिल का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। Thank you so much.